क्षेत्रों के युवक युवतियों को नौकरी लगाने एवं कंप्यूटर की बेहतर शिक्षा देने का प्रलोभन देकर उनके परिवार वालों से मोटी रकम ऐंठने के बाद कुछ बाहरी कंप्यूटर संस्थान लंबे समय से लोगों को चूना लगा रहे हैं एवं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह की शिकायत लगातार जिले भर के थानों में दर्ज कराई जाती रही है। लखनादौन थाने में भी लगभग दर्जन भर छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। इन छात्र छात्राओं का कहना है कि मां काली का आईटी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा हमारे परिवार वालों से 17,000 रुपए फीस के नाम पर लेकर कंप्यूटर सिखाने की बात कही गई थी एवं छात्रवृत्ति के रूप में उन्हें वेतन दिए जाने की बात भी कही थी, परंतु संचालिका द्वारा जब एडमिशन हो जाते हैं तो कंप्यूटर की पढ़ाई न कराकर बच्चों बच्चियों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाता है और कहा जाता है कि अन्य बच्चों के एडमिशन कराने के लिए उन्हें प्रेरित करें। थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें कंप्यूटर की शिक्षा नहीं दी जाती और फीस पूरी जमा न होने पर मां काली आईटी कंप्यूटर की संचालिका के द्वारा अभिभावकों को धमकी दी जाती है। इस संदर्भ में लखनादौन नगर निरीक्षक शिकायत दर्ज कर शीघ्र कार्रवाई की बात की है। इन्होंने आपसे पैसे लिए थे, वो पढ़ाई आपकी करवाई? नो सर, इन्होंने 3 महीने तक लगातार कंपनी का नॉलेज दिए हैं और कंप्यूटर का कोर्स तो बिल्कुल भी नहीं किया सर। इन्होंने कभी फोकस ही नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा माइंड सेटअप करके बोलते थे कंपनी का नॉलेज और ट्रेनिंग व्रेनिंग देते थे। फिर बाद में बोलते हैं कि आप फुल ट्रेंड हो चुके हैं, अब आप गाँव जाइए और बच्चों को जोड़िए। अभी यहाँ क्यों आए हो आप? सर हम लोग परेशान, हमसे जो नहीं हो पाता, मिडिल क्लास फैमिली से हैं सर, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है और हम मम्मी पापा लोग बहुत परेशान हैं सर। यहाँ किस लिए आए हो थाने? सर यहाँ पर कंप्लेंट लिखवाने आए हैं क्योंकि हमारी साल एक साल बर्बाद हो गई सर। मैं इसके पीछे इन लोगों ने मेरा स्कूल छोड़वा दिया, मैं स्कूल जाता था तो 12वीं क्लास में इस साल फेल हो चुका हूँ सर। कुछ छात्राएँ यहाँ आवेदन देने आए हुए हैं कि वहाँ पर एडमिशन लेकर के और इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है लेकिन डिप्लोमा नहीं मिल रहा है, इस संबंध में भी उन्होंने शिकायत पत्र दिया जिसकी वैधानिक जाँच की जाएगी और वैधानिक जाँच के तदुपरांत वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।